India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस शर्मा यूएपीए ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष नियुक्ति। ट्रिब्यूनल करेगा पीएफआई पर प्रतिबंध के सरकारी फैसले की समीक्षा। बिहार निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण अवैध करार करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले का बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनौती। पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट आदेश का नहीं हुआ पालन। तलाकशुदा महिला को दोबारा पति साथ रहने का अधिकार नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया फैसला। ससुराल वालों का घरेलू हिंसा कानून लंबित, लंबे समय से अलग रही थी महिला। दो सीवर सफाई कर्मी मौत मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 लाख रुपए भुगतान का दिया आदेश। डीडीए को देना होगा परिजनों को मुआवजा। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंडअप। नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या पीएफआई या उससे जुड़े संगठनों पर लगाए गए 5 साल के प्रतिबंध की समीक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम या यूएपीए न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है। इस आशय का एक कार्यालय ज्ञापन केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। पीएफआई के पास अब एक ट्रिब्यूनल के समक्ष अपना मामला पेश करने का विकल्प होगा, जिसे प्रतिबंध जारी रखने के लिए सरकारी अधिसूचना की पुष्टि करनी होगी। 2006 में स्थापित पीएफआई खुद को एक गैर सरकारी सामाजिक संगठन के रूप में वर्णित करता है, जिसका उद्देश्य देश में गरीब और वंचित लोगों के लिए काम करना और उत्पीड़न और शोषण का विरोध करना है। केंद्र सरकार ने 28 सितंबर को यूएपीए की धारा 3 के तहत पीएफआई को गैर कानूनी घोषित कर दिया और उस पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। संगठन और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया, जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक है। यूएपीए प्रावधान करता है कि ऐसा कोई प्रतिबंध तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि यूएपीए ट्रिब्यूनल द्वारा अधिनियम की धारा 4 के तहत किए गए आदेश द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जाती। हालांकि असाधारण परिस्थितियों में लिखित के अंदर कारणों को दर्ज करने के बाद अधिसूचना तुरंत प्रभाव में आ सकती है। ट्रिब्यूनल इसका समर्थन या अस्वीकार करता है। मोटर दुर्घटना दावा पर सर्वोच्च अदालत ने अहम व्याख्या की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत जारी एक अधिसूचना मोटर दुर्घटना दावा मामले में मृतक की आय का निर्धारण करने में केवल एक मार्गदर्शक कारक हो सकती है। ऐसे में आय के संबंध में सकारात्मक सबूत होते तो न्यूनतम मजदूरी अधिसूचना पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दावेदारों द्वारा दायर अपील पर विचार कर रहा था, जिसने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे को कम कर दिया था। मृतक 25 वर्षीय युवक था, जो ठेकेदार के रूप में आजीविका कमा रहा था। मामले में दावा किया गया कि मासिक आय 50,000 रुपए थी, जबकि ट्रिब्यूनल ने मासिक का आय के रूप में 25,000 रुपए की गणना की। हाईकोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि केवल इस तथ्य की मृतक ने ऋण की किश्तों का भुगतान किया था, इस बात का प्रमाण नहीं हो सकता कि धन वास्तव में उसकी आय का प्रतिनिधित्व करता है या मृतक की आय के निर्धारण का आधार बन सकता है। हरियाणा राज्य द्वारा जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक समय पर हाईकोर्ट ने न्यूनतम मजदूरी तय करते हुए मृतक की आय 700 रुपए प्रति महा निर्धारित की और इस आधार पर मुआवजे को कम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को अस्वीकार कर दिया और कहा कि ट्रिब्यूनल ने एक उचित दृष्टिकोण का पालन किया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एम एम सुंदरेश
बेंच ने कहा है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की सूचना अधिसूचना केवल उस मामले में एक मार्गदर्शक कारक हो सकती है जहां मृतक की मासिक आय का मूल्यांकन करने के लिए कोई कारक उपलब्ध नहीं है। जहां सकारात्मक सबूत उपलब्ध हो वहां अधिसूचना पर भरोसा नहीं किया जा सकता, खासकर जब इस पर विवाद न हो कि मृतक का मजदूर था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों या ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता पर 50,000 रूपये का जुर्माना लगाया जो था उसे खारिज कर दिया गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश जन प्रकाश पार्टी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि जिस पार्टी को मतदाताओं से ज्यादा मान्यता नहीं मिली है वह अब याचिका दायर करके मान्यता चाहती है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने आदेश में कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव प्रक्रिया की निगरानी चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रक्रिया का उपयोग करके हमारे देश में दशकों से किया जा रहा है इस मशीन का उपयोग, लेकिन समय समय पर मुद्दों को उठाने की मांग की जाती है। कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की याचिकाओं को दाखिल करने से रोका जाना चाहिए। पीठ ने याचिकाकर्ता पर 50,000 रूपये का जुर्माना लगाया। इसे सुप्रीम कोर्ट ग्रुप सी गैर लिपिक कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन में 4 सप्ताह के भीतर जमा करने का निर्देश दिया गया। पीठ ने कहा है कि ईवीएम लंबे समय से इस्तेमाल में है और समय समय पर मुद्दों को उठाने की मांग की जाती रही है। याचिकाकर्ता दल की ओर से पेश वकील ने संविधान के अनुच्छेद 324 का हवाला दिया जिसके तहत चुनावों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण से संबंधित दायित्व चुनाव आयोग में निहित होता है। कोर्ट ने कहा है कि अदालत ऐसी जगह नहीं जहां पर हर कोई कुछ प्रचार पाने के लिए आ जाए। कोर्ट ने इसके साथ ही याचिका खारिज कर दी जिसमें दावा किया गया था कि ईवीएम पर चुनाव आयोग का नहीं बल्कि कुछ कंपनियों का नियंत्रण होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव प्रक्रिया की निगरानी निर्वाचन आयोग करता है और ईवीएम का इस्तेमाल दशकों से चुनावों में किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सीनियर वकील एसपी चिनायक और कुछ अन्य लोगों को दी राहत को बरकरार रखा है और कहा है कि महाराष्ट्र सरकार एक डेवलपर को पट्टे पर दी गई भूमि पर बने फ्लैट ट्रांसफर को पंजीकृत करने के लिए एनओसी पर जोर नहीं दे सकती है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार प्रीमियम के हकदार नहीं है जब भूमि किसी सोसाइटी को आवंटित नहीं की जाती लेकिन एक बिल्डर को पट्टे पर दिया जाता है जिसने निजी व्यक्तियों के लिए फ्लैट का निर्माण किया जिसने बदले में एक सहकारी समिति का गठन किया। जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने यह फैसला दिया है। वर्ष 1971 में राज्य सरकार ने बैक पे रिक्लेमेशन एस्टेट में कुछ भूखंडों के पट्टे के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। अपार्टमेंट के निर्माण के बाद बिल्डर ने उन्हें व्यक्तिगत खरीदारों को बेच दिया है जिन्होंने बदले में वरुणा परिसर सहकारी समिति लिमिटेड नामक का एक सहकारी समिति का गठन किया है। 16 दिसंबर 2000 को प्रतिवादी सीनियर वकील एसपी चिनाय ने श्रीमती रेशमी देवी अग्रवाल के साथ एक विशेष फ्लैट और सोसायटी में 5 शेयरों पर कब्जा करने का अधिकार खरीदने के लिए एक समझौता किया है। जब प्रतिवादी नंबर एक ने पंजीकरण के लिए उप पंजीयक कार्यालय से संपर्क किया तो पंजीकरण अस्वीकार्य कर दिया गया और उन्हें कलेक्टर से एनओसी प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। इसके चलते प्रतिवादी ने हाईकोर्ट का रुख किया। राज्य ने तर्क दिया कि राज्य फ्लैटों के हस्तांतरण की अनुमति देने की शर्त के रूप में प्रीमियम का दावा करने का हकदार है लेकिन उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी है। ये मामला होने के कारण राज्य ने शीर्ष न्यायालय का रुख किया है। कोर्ट ने देखा है कि यह मामला होने के कारण 1983 का था और 1999 में संकल्प वर्तमान मामले में लागू नहीं होंगे। कोर्ट ने कहा है कि 1999 और 1983 के प्रस्ताव उन सरकारी समितियों पर लागू होते हैं जिन्हें सरकारी जमीन रियायती दरों पर मंजूर की जाती है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी या डीडीए को शहर के मुंडका इलाके में एक सीवर के अंदर जहरीली गैसों के अंदर जाने से मरने वाले दो लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने प्राधिकरण को सफाई कर्मचारी आंदोलन और अन्य बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2014 के फैसले के संदर्भ में आश्रितों के अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर भी विचार करने के लिए कहा है। डीडीए को नियुक्ति पर अपने निर्णय को 30 दिनों की अवधि के भीतर सूचित करने का निर्देश देते हुए पीठ ने स्पष्ट किया है कि अगर समय सीमा के भीतर निर्देश का पालन नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन सुनवाई की अगली तारीख 14 नवंबर को उपस्थित रहेंगे। अदालत ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 75 साल बाद भी गरीब लोगों को हाथ से मैला होने वालों के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और मैनुअल सिक्वेंसर्स के रूप में रोजगार निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 और उनके नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। पीठ ने कहा है कि डीडीए और की ओर से दायर की गई अनुपालन रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि दो मृतक श्रमिकों की मृत्यु प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के बिना मेनहोल की सफाई के दौरान हुई थी। पिछले महीने जिन दोनों लोगों की मौत हुई है उनमें रोहित चांडिलिया जो दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों में स्वीपर के रूप में काम करते थे और अशोक कुमार जो एक सुरक्षा गार्ड थे। हाल ही में केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि सरकार द्वारा लाई गई विभिन्न पहलों के कारण सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान ही दुखद दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार नगर निकाय चुनावों में ओबीसी और ईबीसी कोटे को अवैध करार दिया। अदालत ने चुनाव आयोग को ओबीसी और ईबीसी सीटों को सामान्य श्रेणी के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया। निर्वाचन विभाग ने पहले से तय निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया था। कोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछड़ों को आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट आदेश का पालन नहीं किया। हाईकोर्ट ने सबसे ज्यादा नाराजगी राज्य निर्वाचन आयोग पर जताई है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का पालन नहीं कर रहा है। वहीं अब नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले को बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। नीतीश सरकार के अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट ने यह फैसला लिया है। पटना हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी ईबीसी को आरक्षण देने के मामले पर अपना फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि नगर पालिका के चुनाव में ओबीसी को दिया गया आरक्षण कानून के तहत गलत है। आरक्षण देने के सुप्रीम कोर्ट के 2010 में दिए गए फैसले को नजरअंदाज कर दिया गया, जबकि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने की बात कही थी। हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को अनारक्षित सीट घोषित कर चुनाव की अधिसूचना जारी करें। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने एक साथ 17 मामलों पर सुनवाई के बाद अपने आदेश में माना कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत बगैर ट्रिपल टेस्ट के ही ओबीसी को आरक्षण दे दिया, जबकि आरक्षण देने के पूर्व राजनीतिक रूप से पिछड़ेपन वाली जातियों को चिन्हित किया जाना था। सरकार ने ऐसा नहीं कर सीधे आरक्षण दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के विशेष रूप से ये देखने का अनुरोध किया था कि क्या विकास किशन राव गवली मामले में निर्धारित ट्रिपल टेस्ट लागू किया गया है और नगर पालिकाओं के चुनाव के संचालन में अनुपालन हो रहा है या नहीं। विकास किशन राव गवली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ओबीसी आरक्षण के लिए आरक्षण का प्रावधान करने से पहले एक ट्रिपल टेस्ट का पालन किया जाना है। कोर्ट ने ओबीसी को आरक्षण दिए जाने पर राज्य चुनाव आयोग के कार्यकलापों पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार के प्रभाव में आरक्षण दिया है। 29 सितंबर को कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग को पहले चरण के चुनाव की तिथि आगे बढ़ाने की सलाह दे चुका था। दो चरणों में होने वाली नगर पालिका का पहले चरण का चुनाव 10 अक्टूबर जबकि दूसरे चरण का चुनाव आगामी 20 अक्टूबर को होना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि राज्य सरकार वर्ष 2010 में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले के अनुसार सबसे पहले ट्रिपल टेस्ट पूरा नहीं कर लेती।
तीन जांच के प्रावधानों के तहत ओबीसी के राजनीति पिछड़ेपन पर आंकड़े जुटाने के लिए एक विशेष आयोग का गठन करने और आयोग की सिफारिशों के अनुसार नगर निकायों में आरक्षण देना है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करना है कि एससी एसटी ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा कुल उपलब्ध सीटों का 50% की सीमा से अधिक न हो। ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति पर फैसला अहम दिया है। आपको बता दें कि किसी व्यक्ति को 35 वर्ष बीत जाने के बाद अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं देने के अपने फैसले को बरकरार रखा, भले ही उसे देरी के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना है। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य शोक संतृप्त परिवार को वित्तीय संकट से बचाने में सहायता करना है। हालांकि अपीलकर्ता ने के मामले में वह चरण पहले ही बीत चुका है। खंडपीठ ने कहा है कि हालांकि ये नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता को देरी की लंबी अवधि के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए, लेकिन तथ्य ये है कि पिछले 35 वर्षों से वह बिना नौकरी के रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के मामले में अपने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और अन्य बनाम परदीन उराव ने 2021 में एससीसी ऑनलाइन एससी 299 के माध्यम से कहा है कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य परिवार को उस वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाना है जिसका सामना अकेले कमाने वाले की मृत्यु के समय होता है। समय की महत्वपूर्ण चूक के बाद और संकट समाप्त होने के बाद उसी का दावा या पेशकश नहीं की जा सकती। मामले के तथ्य ये है कि अपीलकर्ता ने इस तथ्य के मद्देनजर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग की। उसके पिता की मृत्यु वर्ष 1987 में हो गई। रिट कोर्ट ने अपीलकर्ता को इस आधार पर राहत देने से इनकार कर दिया कि 35 साल के अंतराल के बाद अनुकंपा नियुक्ति कैसे दी जा सकती है जिसका कोई कारण नहीं है। इसके बाद उसने रिट कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। तलाक के लिए अपने पति का घर छोड़ने वाली महिला बाद में ससुराल में रहने का अधिकार भी खो देती है, भले ही तलाक के खिलाफ उसकी याचिका घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत लंबित है। और ऐसे में बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने यह फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति संदीप कुमार सी मोरे की पीठ ने मामले में महिला के ससुराल पक्ष की याचिका को बरकरार रखते हुए निचली अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें उसे अपने घर में स्नान, शौचालय, बिजली वगैरह के उपयोग के साथ साथ निवास का पूरा अधिकार दिया गया था। उमाकांत एच बोंद्रे और उनकी पत्नी शोभा ने एडिशनल सेशन जज उदगीर कोर्ट के फरवरी 2018 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी। कोर्ट ने उनकी पूर्व बहू साक्षी बोंद्रे को निवास का अधिकार दिया था जबकि उसने अपने पति सूरज बोंद्रे से तलाक ले लिया था। इस जोड़े की शादी जून 2015 में हुई थी लेकिन एक साल बाद उनके बीच विवादों के बाद साक्षी ससुराल छोड़कर अपने माता पिता के साथ रहने चली गई। बाद में नवंबर 2017 में एक उदगीर मजिस्ट्रेट ने उन्हें वैकल्पिक आवास व्यवस्था करने के लिए 2,000 रूपये प्रति माह की और अतिरिक्त 1,500 रूपये प्रति माह का अंतरिम रखरखाव का आदेश दिया था। अपनी याचिका में वरिष्ठ बोंद्रे दंपति ने निचली अदालत के आदेशों पर सवाल उठाया था। न्यायाधीश ने कहा कि इन परिस्थितियों में वे बेदखली को रोकने की राहत की भी हकदार नहीं है क्योंकि वह साझा घर के पोजिशन में नहीं है। साक्षी बोंद्रे के वकील ने दलील दी थी कि तलाक के डिक्री को उनकी अपील में इसी आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था और याचिका अदालत के समक्ष लंबित है। साक्षी की दलीलों को खारिज करते हुए जस्टिस मोरे ने कहा कि उन्होंने तलाक से पहले अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया था और ये इंगित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई भी सामग्री पेश करने में विफल रही कि उसे उनके पति या ससुराल वालों ने जबरन बेदखल किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोर्ट की 2019 के आदेश की समीक्षा के लिए बीएमसी पर 2,00,000 रूपये का जुर्माना लगाया। जस्टिस जीएस पटेल और गौरी गोडसे की पीठ ने समीक्षा याचिका की निंदा करते हुए इसे एक अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया। अदालत ने कहा कि याचिका एक अदालत की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है। तथ्य ये है कि ये एमसीजीएम द्वारा किया गया है, केवल इसे बदतर बनाता है और
बीएमसी ने लीज विवाद में 2019 के एक आदेश की समीक्षा की मांग की, जिसमें बीएमसी की ओर से सुधाकर रामकृष्ण महाजन द्वारा दायर एक हलफनामे पर विचार करने के बाद नियम को पूर्ण बनाया गया था। समीक्षा याचिका पर इस आधार पर दायर की गई थी कि 2019 के आदेश के बाद संपदा विभाग के कर्मियों ने अभिलेखागार के माध्यम से छानबीन करने के बाद ऐसे अभिलेखों की खोज की जिन्होंने हलफनामे पर महाजन के बयानों को प्रभावी ढंग से गलत बताया। अदालत ने पूछा कि हलफनामा दाखिल करने से पहले छानना क्यों संभव नहीं था और क्या कि उसे ये भी कहा कि उसने दावा किया कि महाजन ने उपलब्ध प्रासंगिक अभिलेखों को देखा था। इसके अलावा कोर्ट ने टिप्पणी की कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये नहीं बताया गया कि मामला सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी की धारा 114 या आदेश 47 के अंतर्गत कैसे आता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक वर्ष से अधिक की एडहॉक या अस्थायी सेवाओं की अवधि को शिक्षक की कैरियर उन्नति योजना के तहत सीधी भर्ती या पदोन्नति के लिए गिना जाएगा, जो कि यूजीसी रेगुलेशन 2010 के क्लॉज में निर्धारित शर्तों के अधीन है। जस्टिस संजीव कुमार ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें याचिकाकर्ता कश्मीर यूनिवर्सिटी की मीडिया शिक्षा और अनुसंधान केंद्र में एसोसिएट प्रोफेसर ने यूनिवर्सिटी द्वारा जारी संचार को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना की, जिसमें प्रतिवादी को वरिष्ठता सूची में याचिकाकर्ता के साथ वरिष्ठ के रूप में रखा गया है। मामले के तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी ने 2002 में यूनिवर्सिटी की मीडिया शिक्षा और अनुसंधान केंद्र या MERC में लेक्चर की पोस्ट के लिए आवेदन किया। उसे MERC लेक्चर से के रूप में नियुक्त किया गया। उसी आदेश के तहत प्रतिवादी नंबर 6 को भी नियमित अस्थायी आधार पर MERC लेक्चरर के रूप में नियुक्त किया गया। MERC के रूप में याचिकाकर्ता की सेवाओं की पुष्टि की। प्रतिवादी नंबर 6 पहले से ही यूनिवर्सिटी अस्थायी तौर पर नौकरी कर रहा है और उसने 2 पदों में से 1 के खिलाफ चयन के लिए उसे बनाया है। आपको बता दें कि तदनुसार ये बताया भी जा रहा है कि MERC में प्रवासी रिक्त के खिलाफ अस्थायी आधार पर लेक्चरर के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 6 दोनों को MERC में सहायक प्रोफेसरों के वरिष्ठ वेतनमान में रखा गया। ये वे आदेश है जो पीठ के समक्ष चुनौती का विषय है। अदालत ने कहा है कि प्रतिवादी यूनिवर्सिटी ने इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 6 को वरिष्ठ वेतनमान में रखते हुए या एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति या पदोन्नति के लिए देने के अंदर कोई अवैधता नहीं की है। प्रतिवादी संख्या 6 संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट होने के अलावा शिक्षण अनुसंधान से संबंधित विषय में MPhil की डिग्री भी रखता है। याचिकाकर्ता सहायक प्रोफेसर के रूप में 6 वर्ष पूरे करने के बाद वरिष्ठ वेतनमान में रखे जाने का अधिकारी है, जबकि प्रतिवादी संख्या 6-5 वर्ष की सेवा पूरी करने पर वरिष्ठ वेतनमान के लिए पात्र हो गया। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स Courts Roundup.